हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन और मैं हूं आपकी कुकिंग एक्सपर्ट सुमिता। चलिए फिर आज भी किचन में चलते हैं और एकदम ही जबरदस्ती रेसिपी बनाएंगे। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं विंटर्स का एक और स्पेशल हलवा बना रही हूँ, बाजरे का हलवा। बहुत ही ज़बरदस्त ये लगता है खाने में और सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है। चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए आपने 1 कप घी लेना है। फ्लेम ऑन कर देती हूँ मैं। घी को गर्म होने देते हैं। घी भी गर्म हो गया दोस्तों। जब एक बार घी गर्म हो जाए आप फ्लेम स्लो कर दें। अब इसमें बाजरे का आटा डालेंगे। 3/4 कप आपने लेना है। जो जो रेशियो मैं बता रही हूँ वैसे ही आप रखें, आपका परफेक्ट हलवा बनेगा। और 1/2 कप इसमें कनक का आटा डालेंगे। ये मेरा दरदरा पिसा हुआ कनक का आटा है, इससे टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर आ जाता है खाने में। अगर आपके पास मोटा पिसा आटा नहीं है कनक का, तो आप नॉर्मल आटा यूज़ करके साथ बस आप एक काम कर लें कि 2 टेबलस्पून इसमें सूजी ऐड कर लें। चलिए मिक्स कर लेते हैं। और चलाते हुए हमने ये आटे को भूनना है, जब तक इनका थोड़ा कलर ना चेंज हो जाए और इनमें अच्छी खुशबू ना आने लग जाए। कच्चा आटा नहीं रहना चाहिए, ऐसी चीज़ें बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, आप स्टेप्स वैसे ही फॉलो करें। चलिए इसको भून लेते हैं और स्लो फ्लेम पे ही आपने करना है। इस टाइम पे दोस्तों आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है आटे के भुनने की, और घी भी आप देख सकते हैं अलग हो गया। पहले हमने जब डाला था ड्राई था ना, अब आप देख रहे हैं घी छोड़ दिया आटे ने, अच्छे से ये भुन गया। 20 मिनट करीब लग जाते हैं ऐसे भुनने में, और स्लो फ्लेम पे ही आपने करना है और चलाते हुए ही आपने भूनना है। अब इसमें 1 कप चीनी डालेंगे या जितना आप मीठा पसंद करते हो, और साथ ही इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। मिक्स कर देते हैं। बस आपने ये ध्यान देना ठंडा दूध आप ना डाल दें, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और ये हलवे का टेस्ट दूध से ही अच्छा आता है, आप इसमें पानी ना डालें। बस इसको मिक्स करते हुए ऐसे ही कुक करेंगे। और इसमें 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे। अब हमने चलाते हुए ऐसे ही तब तक कुक करना है जब तक आप देखेंगे पूरा इकट्ठा ना हो जाए। इस टाइम पर आप देख सकते हैं मैं इसको जैसे चला रही हूँ, इसने सारा पैन को छोड़ दिया, ऐसे ही बस स्टेज आ जानी चाहिए। और इस पॉइंट पे हम इसमें खोया ऐड करेंगे। हाथ से आप क्रम्बल करके डाल दें, 150 ग्राम क्वांटिटी है। सर्दियों में आप बनाएं अलग अलग ऐसे हलवे, मैंने बहुत सारे हलवे की रेसिपीज डाली हुई हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। गरम गरम हलवे सर्दियों में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। चलिए खोए के घुलने तक कर लेते हैं कुक। इस टाइम पर दोस्तों आप देख सकते हैं खोया पूरी तरह घुल गया हलवे में और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये बनकर एकदम तैयार हो गया। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसको आप अपने कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर सकते हैं सर्विंग के टाइम। आप इसको बनाएं, ट्राई करें और फिर मेरे को बताएं ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा। बाय बाय।